I will start this video with a controversial statement, and that is to build muscle, you need more protein. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. Youngsters में एक जो चल रहा है वो है ये. मैं उसके बहुत against हूँ. वो है वो protein shakes and. Human breast milk is less than 1% protein. The protein content is 60-80% whey. Formulation and the science, the best proteins in the world start with nature, or more specifically, milk. आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन क्या होता है, किस तरह से बनता है, किसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस किए थे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट के आंसर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो होपफुली आई विल ट्राई कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वे प्रोटीन के बारे में सब समझ आ जाएगा, प्रोटीन का रोल क्या है फिटनेस में आपको समझ आ जाएगा। So let's start this video. So we will start from the root कि protein क्या है। So basically जो भी हम food खाते हैं उसमें दो important nutrients होते हैं, जिसे दो factor में divide किया है। One is micro, second is macro. Micro में हमारे vitamins and minerals आते हैं, और macro में protein, carbs, fat, ये हमारे important macro nutrients हैं। अब उसमें से protein जो है वो हेल्प करता है हमारी मसल बिल्ड करने में। किस तरह से? जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या स्प्रिंट रनिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, फिर वो रिपेयरिंग प्रोसेस में जाते हैं, रिकवरी प्रोसेस में जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन का रोल आता है, वो अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है आपके मसल टिश्यूज़ को, तो वो वापस से रिपेयर होते हैं, और इस तरह से मसल बनता है, मसल ग्रो होता है। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी मसल ग्रोथ में। नाउ व्हाट इज़ वे प्रोटीन? बेसिकली वे प्रोटीन मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। उसकी प्रोसेस होती है, मिल्क पहले रॉ मिल्क को, काउ का जो मिल्क होता है उसको 70-80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, उस पे से कॉटेज चीज़ बनता है। देन उसमें से दो तरह के प्रोटीन आते हैं, केसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। वे प्रोटीन 80% होता है और केसिन प्रोटीन 20% ही शायद होता है। तो इस तरह से वे प्रोटीन मिलता है हमें मिल्क में से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो आपको वे प्रोटीन मिल्क से मिल रहा है, तो आप क्यों वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करोगे, क्यों आप वे सप्लीमेंट खरीदोगे? मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले जब मुझे वे प्रोटीन लेना था, मैंने घर पे पूरी प्रोसेस बताई थी कि इस तरह से वे प्रोटीन बनता है, दूध से बनता है, पूरा नेचुरल होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते हैं। तो मेरे घर पे यही बोला था कि जब वो दूध से बनता है तो तू दूध पीना, तो क्यों वे प्रोटीन ले रहा है? उस टाइम पे मेरे पास आंसर नहीं था बोलने के लिए, बट आज मेरे पास आंसर है। एंड द आंसर इज कि इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज वन स्कूप ऑफ वे होता है, उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, उसकी कैलोरीज भी कुछ 80-90 होती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सब ब्रांड्स की अलग अलग होती हैं, और उसमें कार्ब्स 3 ग्राम्स होते हैं, किसी में फैट कम होता है, किसी में नहीं होता है। अब उसी की जगह आप अगर जो मिल्क से अपना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहे, मतलब आपको 24 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आपको लगभग 3-4 ग्लास मिल्क पीना पड़ेगा, जिसके अंदर पर ग्लास पे आपको 150 से 200 कैलोरीज होती है, उसमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होता है, फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह अगर जो आप मिल्क में से अपना प्रोटीन कंज्यूम करने जाएंगे, तो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस आपको कार्ब्स, फैट वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए वे प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। Now, is it necessary to take whey protein or not? See, whey protein एक product है जिसके अंदर protein की quantity ज़्यादा है। Same अगर जो आप food में देखने जाओगे, तो आपको food में भी protein मिल जाता है। For example, chicken हो गया, उसमें भी protein होता है, eggs में भी protein होता है, vegetarian source की बात करें तो पनीर में होता है, soya chunks में protein होता है। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेना ही लेना है। आप जो फूड होते हैं, जो रिच प्रोटीन फूड होते हैं, आप वो कंज्यूम करके भी आप अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी, अपना प्रोटीन का कंजप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल। मुझे आई थिंक 2 या 3 वीक हो गए हैं वे प्रोटीन यूज़ नहीं किए हुए। मेरे पास अभी वे प्रोटीन नहीं है, ना मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा अभी बजट नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने वे प्रोटीन ऑर्डर नहीं किया। बट उसके बावजूद भी मैं अपना
प्रोटीन का कंजप्शन कर रहा हूँ अपने फूड से। मैंने अपने चिकन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है, सोया चंक की क्वांटिटी बढ़ा दी है, एंड और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 3 वीक में मैंने कोई भी ऐसा मसल लॉस या स्ट्रेंथ लॉस नहीं देखा है मेरी फिजिक में। इनफैक्ट मेरी फिजिक अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वे प्रोटीन से ही फिजिक नहीं बनती है। जस्ट प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तुम उसे कहीं से भी कंज्यूम करो, डजंट मैटर, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता चल रहा तुम किससे कंज्यूम कर रहे हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि किसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो जिम करता है या कोई एथलीट है, जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहा है, उसको जो नॉर्मल पर्सन है उससे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो अपने मसल्स ब्रेक कर रहा है, उसके मसल्स रिपेयरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए जिससे उसके मसल जल्दी रिकवर हो। तो इसलिए एक जनरल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि किसको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर जो आप नॉर्मल ट्रेनिंग करते हो तो आपको 0.5 पर पाउंड वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। अगर आप 3 times ट्रेन करते हो तो 0.8 ग्राम पर पाउंड, और आप 6 times ट्रेन करते हो मतलब पूरे वीक, तो आपको 1 ग्राम पर पाउंड लेना चाहिए। अब मैं कितने ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, मेरा भी बता देता हूँ। मैं बेसिकली, मेरा करेंट वेट है 69 kgs, तो 69 kgs को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 150 grams होता है, 150 lbs होता है। तो मैं लगभग 140-150 के अराउंड प्रोटीन लेता हूँ पर डे का। अब वे प्रोटीन किसको लेना चाहिए और कौन ले सकता है। अगर जो आप फ्री रहते हो, आप अपनी मील्स कुक कर सकते हो, आप खा सकते हो, आप 6 times a day खा सकते हो मील्स बना के, तो आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मील से, 6 meals से ऑफकोर्स आप अपनी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर लोगे, बट जो बिज़ी रहते हैं, जिनका स्कूल रहता है, जो जॉब करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल इतना बिज़ी रहता है कि वो घर पे कुक करके फिर खाने का उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए वे प्रोटीन हेल्प करेगा। क्योंकि वे प्रोटीन में क्या है, एक स्कूप तुमने डाला, मिक्स किया, ड्रिंक कर लिया, हो जाएगा ख़त्म। सो अगर जो तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत बिज़ी है, तुम कुक नहीं कर सकते हो, तो उस जगह पे तुम वे प्रोटीन की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि तुम फूड वगैरह नहीं खा पाते हो, 6 times a day तुम नहीं खा पा रहे हो। इसलिए मेरा भी यही एग्जांपल है, अभी मैं घर पे रहता हूँ, वेकेशंस चल रही हैं, तो मैं मील्स बना के खा सकता हूँ। पहले कॉलेज वगैरह होता था तो उस टाइम पे अपनी मील्स एक दो स्किप हो जाती थी, इसलिए मैं वे प्रोटीन यूज़ करता था, वे प्रोटीन पीता था। तो कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें वे प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी रखी थी कि आपको प्रोटीन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछो, मैं अपनी वीडियो में आंसर करूँगा। सी, तो क्वेश्चंस आए हैं, अब मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाबॉलिक विंडो ट्रू। एनाबॉलिक विंडो बेसिकली क्या है, जब आप वर्कआउट कर लेते हो उसके बाद विद इन 30 minutes आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन और कार्ब्स इंटेक करना है। सो इट इज़ टोटली मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इनफैक्ट खुद वे प्रोटीन नहीं लेकर जाता हूँ जिम में, मैं घर आता हूँ, आई थिंक मुझे 1 hour के बाद ही मैं अपना मील लेता हूँ अपने वर्कआउट के बाद। तो एनाबॉलिक विंडो जैसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली मिथ है। भाई आप कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हो? कोई भी ब्रांड फिक्स नहीं है, टोटली डिपेंड अपॉन माय मंथली बजट, मेरे बजट पे डिपेंड करता है। इस महीने बजट नहीं था तो मैंने वे प्रोटीन लिया ही नहीं, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर चीप ही वे प्रोटीन लेता हूँ जो, और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफ्लेवर वाले लेता हूँ, वो थोड़े चीप में मिल जाते हैं इसलिए। ब्रो वाई देयर प्राइजेज आर हाइक सो मच? अच्छा, वे प्रोटीन का, अब जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि 20% केसिन प्रोटीन होता है और 80% वे प्रोटीन होता है, तो वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्लस बहुत ज़्यादा मिल्क से प्रोटीन बनता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ख़ास करके जो केसिन प्रोटीन होता है वो तो सिर्फ 20% ही मिलता है, तो उसके लिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट और बढ़ जाती है, इसलिए केसिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। बेस्ट बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव वे प्रोटीन अकॉर्डिंग टू यू? कोई भी अनफ्लेवर वाला ले लो, दूसरे के कंपेयर में चीप ही रहते हैं। डू वे फास्ट अप द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वर्सेस गुड होम डाइट? कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, अगर तुम्हारी घर की डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन है, तुम अच्छे से अपनी डाइट बैलेंस करके खा रहे हो, तो वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर भी तुम्हारा गेनिंग प्रोसेस होता रहेगा। अल्टरनेटिव ऑफ वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट में, सोया चंक, चिकन, एग वाइट्स, फिर पनीर,
देन बीन्स वगैरह भी आप खा सकते हो। दिस वॉज द वीडियो ऑन अ वे प्रोटीन। तुम्हारे कोई और भी क्वेश्चन या डाउट होंगे तो कॉमेंट्स में या मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने जिम के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। टिल देन हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।